दोस्तों आज की वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करना सीखेंगे, एसी वोल्ट चेक करना सीखेंगे, डीसी वोल्ट चेक करना सीखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो तरह का डिजिटल मल्टीमीटर है, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा वाला आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शंस ज़्यादा है और बड़ा वाला आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शंस कम है। अगर हम डिजिटल मल्टीमीटर के जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई सा भी डिजिटल मल्टीमीटर हो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पहले इस वाले डिजिटल मल्टीमीटर के जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों ये हमारा एडजस्ट पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे देख सकते हैं 750 वोल्ट है, एसी देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे एसी का सिंबल है, 200 वोल्ट भी देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप डीसी एम्पियर देख सकते हैं, फिर यह आपका जो है ट्रांजिस्टर जो होता है आप वो चेक कर सकते हैं, फिर यह आप देख सकते हैं ये आपका है स्क्वायर वेव जनरेटर जिससे कि एम्पलीफायर वगैरह चेक करते हैं, ये देख सकते हैं, फिर आपका ये देख सकते हैं कि ये ऑप्शन है एक, यहाँ पे आप डायोड चेक कर सकते हैं, या फिर आप किसी तार का आपको शॉर्ट देखना है वो देख सकते हैं, फ्यूज़ चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये आप देखिए यहाँ पे ओम्स का सिंबल है, यहाँ पे आप 200 ओम्स तक देख सकते हैं, यहाँ पे 2000 ओम्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप 20K ओम्स देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 200K ओम्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप 2000K ओम्स देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका देख सकते हैं कि डीसी वोल्ट है, डीसी वोल्ट। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं ये जितने भी ऑप्शंस हैं जैसे कि ओम्स का है, ये आपका हो गया डीसी एम्पियर का है, फिर ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर का है, फिर ये आप देख सकते हैं कि आपको अगर स्क्वायर वेव जनरेटर एम्पलीफायर का स्क्वायर वेव चेक करना है वो है ये, तो ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इलेक्ट्रीशियन को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रीशियन को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको एसी वोल्ट चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे कहीं भी तो आपको एसी वोल्ट देखने की आवश्यकता बार बार पड़ेगी। दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपको डीसी वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ना के बराबर डीसी वोल्ट भी। और तीसरा आप ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड या जो बजर का सिंबल है, ठीक है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तार का शॉर्ट देखना है या तार सही है या नहीं है, केबल सही है या नहीं है, अगर ये देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एसी वोल्ट को चेक करते हैं। एसी वोल्ट चेक करने के लिए जब भी आप एसी वोल्ट चेक करें मैं आपको बोलता हूँ 750 का जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, 750 का, 750 पे आप ये एरो जो है ये नोब मीटर का जो डिजिटल मल्टीमीटर का जो नोब है एरो पॉइंट को आप 750 पे रखें। जैसे 750 पे रखेंगे तो अब हमको चेक करना है ये लीड, देखिए ये दो लीड हैं। अब देखिए ये हमारा एक्सपेंशन बोर्ड है, यहाँ पे एक फेस है एक न्यूट्रल है, तो आप इस तरह से अंदर डाल दें तो देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा रीडिंग आ गया है। अभी हमारा वोल्ट कितना है, 205 वोल्ट है, 205 206 समझे, 205 या 204 समझिए आप, 204 205 वोल्ट दिखा रहा है, एसी वोल्ट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। दोस्तों ये एसी वोल्ट चेक करने का हो गया। अगर आपको डीसी वोल्ट चेक करना है मैं आपको वो भी बता दूं, उसके लिए मैंने एक मोबाइल की बैटरी है वो ले आया है, ये 4 वोल्ट की है, 3.85 वोल्ट की है, 4 वोल्ट समझ लीजिए। अगर आपको एसी वोल्ट चेक करना है, एसी वोल्ट डीसी वोल्ट चेक करना है दोस्तों, तो उसके लिए आप डीसी वोल्ट जैसे बैटरी उटरी की जो वोल्ट है वो चेक करना है, यानी आपको, तो आप क्या करें डिजिटल मल्टीमीटर का जो नोब है आप उसे क्या करें डीसी पे सेलेक्ट करें। डीसी पे कितना वोल्ट चेक करना है आप यहाँ पे डीसी वोल्ट 1000 वोल्ट चेक कर सकते हैं, 200 वोल्ट चेक कर सकते हैं, 20 वोल्ट चेक कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 2000 मिली वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, 200 मिली वोल्ट चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि बैटरी हमारा कितना है 4 वोल्ट है, मान लीजिए 4 वोल्ट है, तो हम 20 पे सेट करेंगे, 20 पे सेट करके आप दोस्तों यहाँ पे जो देख सकते हैं एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप एक पे रखें दूसरा एक पे रखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा डिजिटल मल्टीमीटर इसमें डीसी वोल्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सही रीडिंग नहीं देता है, तो आप इसी तरह से चेक करें, एक इसमें रख दें, देखिए जब आप रखेंगे ये बैटरी में चार्ज नहीं है, मुमकिन एक वोल्ट आ रहा दोस्तों, इस तरह से एक प्लस में रख दें, प्लस प्लस में रख दें, माइनस माइनस में रख दें, ये हमारा प्लस वाला है प्लस प्लस में रखें, माइनस माइनस वाला माइनस में रखें, तो इस तरह से आप डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको शॉर्ट देखना है, मान लीजिए
तार का, किसी केबल का शॉर्ट देखना है, तो आप डिजिटल मल्टीमीटर जो है इसका नॉब आपको यहाँ पे लाना है, ये जो डायोड या बजर का देख रहे हैं ये जो सिंबल है, यहाँ पे लेकर आना है। यहाँ पे लेकर आएंगे आप, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी आपको देखना है शॉर्ट देखना है किसी भी तार का, तो इस तरह से आप टच करेंगे। मान लीजिए कि आपका ये एक तार है, केबल है, ये पेन है मेरे पास मान लीजिए, तो आप क्या करिए, ये तार देखना है कि तार ख़राब तो नहीं है, तो एक तरफ रखिए, दूसरा एक तरफ रखिए। फ्यूज़ देखना है, तो फ्यूज़ का आपका दो पॉइंट होता है, एक फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, दोनों पे आप रखिए। आपको फ्यूज़ अगर सही होगा तो वहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगा, इस तरह से साउंड सुनाई देगा। फ्यूज़ ख़राब होगा तो साउंड सुनाई नहीं देगा। दोस्तों ये हो गया, आपने आपको याद क्या रखना है, अगर आपको एसी वोल्ट देखना है तो 750 वोल्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट लिखा हुआ है, इस तरह से आपका ये सिंबल है, ये जो सिंबल है वोल्ट, उसके बाद जो ये लाइन है इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। मैं दोस्तों हम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपको एसी वोल्ट चेक करना है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। एसी वोल्ट चेक करना है तो 750 सेलेक्ट करना है, मुमकिन हो सकता है कि 750 ना हो, 200 भी ना हो लिखा हुआ, सिर्फ वहाँ पे वी लिखा हुआ हो और इस तरह की लाइन हो, तो आपको क्या करना है, 750 सेलेक्ट करना है। अगर इस तरह का ऑप्शन हो तो 750 सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपका एसी वोल्ट जो होता है वो 200 प्लस होता है, या फिर अगर आपका 110 की लाइन है यानी 110 का वोल्ट है तो आप 200 पे भी चेक कर सकते हैं, 750 पे भी चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप याद क्या रखना है, एसी वोल्ट का हमेशा वी के बाद इस तरह की लाइन होती है, ये देख सकते हैं लाइन, इसको अगर आप पहचान लीजिए तो आपका मीटर कभी ख़राब नहीं होगा और ऑप्शंस आप कभी गलती नहीं करेंगे। और दोस्तों अब इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में समझ लेते हैं, यह डिजिटल मल्टीमीटर देख रहे हैं आप, अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें ऑप्शंस, देखिए एसी वोल्ट चेक करना है, देखिए 750 वोल्ट एसी, यहाँ पे देखिए वी ऊपर है और ये जो लाइन मैंने आपको बताया, जैसा कि इस मीटर में आप देख सकते हैं ये लाइन, सेम यही लाइन इस मीटर में भी है, यही मीटर में भी है, देख सकते हैं एसी वोल्ट है 750। अगर आपको एसी वोल्ट चेक करना है 750, आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डीसी वोल्ट है, देखिए 1000 वोल्ट तक डीसी चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्ट जैसे मैंने आपको बताया इस डिजिटल मल्टीमीटर में, वोल्ट के बाद एक पूरी लाइन मिलेगी, दूसरा 3 डॉट मिलेगा, सेम यही चीज़ इस डिजिटल मल्टीमीटर में भी, एक पूरी लाइन है उसके बाद 3 डॉट है, ये डीसी वोल्ट का है। अगर ये दोनों पहचान लिया आप तो कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको एसी डीसी वोल्ट चेक करना है तो इसमें सेलेक्ट करें, और अगर आपको शॉर्ट देखना है तार का, फ्यूज चेक करना है तो इसमें सेलेक्ट करें, अगर आपको रजिस्टर चेक करना है, ओम्स चेक करना है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ओम्स किलो ओम्स जो भी देखना है आपको इसमें सेलेक्ट करें, लेकिन इलेक्ट्रीशियन को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी आपका ओम्स का है, यहाँ 2K ओम्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप 200K ओम्स अब देख सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे बात आ गई ये एसी एम्पियर, अगर आपको एसी एम्पियर देखना है, ये जो आप देख सकते हैं ये क्लैंप का जो ऑप्शन दिया, ये एसी एम्पियर देखने के लिए दिया। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, चाहे आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपका एसी है, उसका अगर एम्पियर देखना है, आउटपुट कितना एम्पियर जा रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ए का मतलब एम्पियर, और ये जो नीचे वाली लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एसी वोल्ट का सिंबल है, आप याद रखें एसी वोल्ट का सिंबल है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये एसी वोल्ट का हमारा सिंबल है, याद रखें। अगर ए के नीचे अगर इस तरह का है तो समझिएगा वहाँ एम्पियर चेक करने का ऑप्शन है, आप इसमें गलती ना करें बिल्कुल भी। अगर वी है, वी के बाद अगर इस तरह की लाइन है तो समझिए कि वहाँ पे एसी वोल्ट चेक करना है, और अगर ए है, ए के बाद अगर इस तरह की लाइन है तो आपको एसी एम्पियर चेक करना है, करंट आउटपुट सप्लाई कितना जा रहा है। यहाँ पे 20 एम्पियर देख सकते हैं, यहाँ पे 200 एम्पियर देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 एम्पियर देख सकते हैं, और आपका यहाँ क्लैंप वाला सिस्टम है, मान लीजिए हमको 200 एम्पियर देखना है, 20 एम्पियर देखना है, आपने क्या करना, ये क्लैंप मीटर जो है, इस क्लैंप मीटर को मान लीजिए कि ये हमारा तार है, कोई भी तार है, ये हमारा सप्लाई जा रहा है, अब हमको देखना है कि इस तार में कितना एम्पियर आ रहा है, तो इस तरह से लगाएंगे, एम्पियर दिखेगा। तो दोस्तों ये डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ है, और भी इसके जितने भी ऑप्शंस हैं मैंने आपको जल्दीबाजी में बता दिया, इनको बारीकी से समझेंगे दोस्तों। बस 3 पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ जिसका बहुत ही ज़्यादा एक इलेक्ट्रीशियन को यूज़ करना पड़ता है।
पहला है कि आपका एसी वोल्ट, दूसरा है आपका कौन, ये आपका देख सकते हैं डायोड या बजर का जो सिंबल बना हुआ है शॉर्ट आउट देखने के लिए केबल का, इसका भी यूज़ करते हैं। कंप्रेशर का अगर आपको जैसे फ़ैन का वाइंडिंग चेक करना है, कंप्रेशर चेक करना है, किसी चीज़ का आपको कॉइल चेक करना है तो इसमें चेक करते हैं, फ्यूज़ चेक करना है तो इसमें चेक करते हैं, और दूसरा है हमारा डीसी वोल्ट।